सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई आ चुकी थी आज से साढ़े तीन साल पहले। उसके बाद सीबीआई ने भी इंक्वायरी की थी परमवीर सिंह की, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी हुई थी। परमवीर सिंह को निकाला गया था पुलिस डिपार्टमेंट से, कहीं और भेजा गया था। उसके बाद अचानक परमवीर सिंह को वापस से पोस्टिंग मिलती है, परमवीर सिंह वापस से जॉब पे आते हैं, उनको पेंशन भी मिलती है। और जब तक वो निलंबित थे, मतलब जब वो पोस्ट पे नहीं थे, उतनी सैलरी, उसकी आधी सैलरी भी उनको दी जाती है। और ये बात हो जाती है सोर्स के द्वारा कि परमवीर सिंह सुशांत के केस में गवाही बन गए हैं। वही परमवीर सिंह जो बोल रहे थे कि सचिन वाजे को अपॉइंट किया गया था महाराष्ट्र की तीन तिगाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे की तरफ से, और सचिन वाजे बिल्कुल ही सुनते नहीं थे हमारी भी, बल्कि कमिश्नर परमवीर सिंह थे, ऐसा परमवीर सिंह का कहना है। हालांकि परमवीर सिंह ने भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुसाइड बोला था, वो भी उन्हीं कैटेगरी में आते थे। लेकिन अब गवाह बनने के बाद एसआईटी की जांच की टीम ने भी परमवीर सिंह को बुलाया और बहुत सारी चीजें इंक्वायरी की है। कहा जाता है कि सचिन वाजे जो अभी जेल में है उसको भी बुलाया गया एसआईटी की जांच की टीम की तरफ से, अनिल देशमुख जो अभी भी जेल में है उनको भी बुलाया गया था, और बहुत सारी इंक्वायरी हो रही है। अब कहा जाता है कि एसआईटी की टीम की तरफ से सारे सबूत उनके पास आ चुके हैं, बस बात वही पे अटकी है कि सीबीआई के पास भी सबूत है, एसआईटी के पास भी सबूत है, सारे सबूत होने के बाद ये फैसला कब होगा। मुझे जितना समझ में आ रहा है 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, राम मंदिर का ओपनिंग होने के बाद, उसके बाद ये केस निकाला जाएगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी से शायद अलग होने के प्लान में है, और महाराष्ट्र सरकार में तो बीजेपी आने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। सुशांत के नाम पे बिहार और महाराष्ट्र दोनों ग्रैब करेगी बीजेपी। आपको इस बारे में क्या लगता है? परमवीर सिंह कहां तक एसआईटी को बता चुका है, कहां तक सीबीआई को बता चुका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद।